हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में कुछ अलग होने वाला है हमेशा की तरह। तो आज की वीडियो में होगा चैलेंज, पर ऐसा खाने या ठूसने या चैलेंज नहीं है, पर कुछ अलग होगा। जैसे कि अब वो ये बताएगा, जैसे कि हम लोग ने सोचा कि हम लोग बहुत सारा टेस्ट करते हैं, इतने इतने वीडियो में टेस्ट किया है, तो हम लोग ने एक दूसरे से चैलेंज लगाया कि मीन्स कि हम लोग को चीज़ें टेस्ट करके उसका प्राइस गेस करना है और वो कौन से ब्रांड का है वो भी गेस करना है। वो भी ट्विस्ट ये है कि वो ब्लाइंड फोल्ड रहेगा वो पर्सन और गेस करना है। और हम लोग ने अलग अलग एक्सट्रीम लेवल पे गए, मतलब कि लो रेंज से मिड रेंज से एकदम हाई रेंज पे जाने वाले हैं, और वो चीज है समोसा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो चलिए अब बिना कोई देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, गेम भी है तो थोड़ा देखना जरूर। हाँ, देखना जरूर। तो गाइज अभी हम लोग रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने तीन ब्रांड के समोसे मंगाए। पहले एक तो मेन ये होता है कि आप समोसे में ज़्यादा हाई रेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ही एकदम प्रिसाइसली रिसर्च लगी, 3 दिन लग गए हम लोग को ढूंढने के लिए हाई रेंज से मिड रेंज तक। तो हम लोग ने तीन चुना है, तो चलिए आपको जल्दी से पहला ब्रांड हम लोग बता देते हैं कौन सा है। तो पहला ये MM है, जिसका एक समोसा 17 रुपीज का है और तीन समोसे अप्रोक्स हम लोग को 52 या 54 रुपीज का कुछ ऐसा पड़ा है। और MM तो आप जानते होंगे, अगर जो मलाड में रहते हैं उनको पता है, पता ही होगा इसके बारे में। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल समोसा कितना अच्छा है तो बताने की जरूरत नहीं है। और ये दूसरा समोसा हम लोग ने जोमेटो के कोई रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, जो अप्रोक्स कितना 180 का था कुछ। चार समोसे हम लोग को इसमें 180 रुपीज में मिल गए, तो हम लोग ने वो ऑर्डर कर दिया। और फिर लास्ट में हम लोग ने, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत लगी हम लोग को ढूंढने के लिए, क्योंकि आलू समोसा उतने ज्यादा प्राइस पे ढूंढना बहुत मेहनत वाला काम है, और ये इतने प्राइस का है कि मतलब समझ लो कि एक महीना हम लोग समोसा खा सकते हैं, नॉर्मल प्राइसिंग वाला समोसा। और अगर ये वीडियो मम्मी और पप्पा देख रहे हो, अब तो लगा हम लोग पिट चुके होंगे, क्योंकि इतने महंगा समोसा कौन खाता है। 500 का समोसा आप खाओगे तो पेट में गले से उतरेगा भी नहीं। 500 का समोसा ये पूरी रात डिप्रेशन। 500 में कितना, 4 समोसा मिला है बस, 500 में 4 समोसा। अरे 100 का 1 समोसा तो देते। तो वही, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहली चीज की बात, मतलब पहले समोसे की बारी आ चुकी है, अब मैं इसको खिलाता हूँ और हम लोग देखते हैं कि ये सही गेस पर कर पाता है कि नहीं। तो चलिए मैं इसे खिलाता हूँ। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहे ना? नहीं भाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कितने, रुक जा छूने तो दे। तो मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी इसको पहला समोसा टेस्ट करवाता हूँ और पूछता हूँ कि कौन सा है ये। ये ले, कहाँ है? हाथ नीचे ला थोड़ा। अबे यहाँ है यार। टेस्ट करके बता कैसा है, कौन सा है, कौन सी रेंज का है, लो या मीडियम या हाई वाली, बता बता। तो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये मिड रेंज का है, सही ना? आप जीतते हैं 7 करोड़ तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इसका ये जवाब गलत है। तो ये है अपना MM का। अरे यार, सबसे लो रेंज वाला, और ये वो ही नहीं बता पाया। अरे क्या बोलने का, ये तो एकदम फेमस ब्रांड था, नहीं बता पाया। मतलब दूसरे समोसे की बारी, इसको दूसरी चीज खिलाते और पूछते हैं कि कौन सा है। तो भाई चल खा। कहाँ है? इधर नहीं, इधर नहीं। कौन सा है? ये। अबे एक ये ले। अभी हाँ। दूसरी तरफ से तोड़ के खाता हूँ, इससे इसको पता चल जाएगा कौन सा है। ये पक्का मिड रेंज वाला है, पक्का। अच्छा, तो आपको आपका सफर यही होता है खत्म। क्यों? मजाक कर रहा हूँ, ये सही गेस था इसका। तो अब बढ़ते हैं आगे। यस, कि इसने 2 तो गेस कर लिए, अब तीसरा तो अंधे को भी पता रहेगा कि कौन सा समोसा आने वाला है। तो मैंने सोचा है कि अब भी ना वापस से कोई वही समोसा रखता हूँ और इसको दोनों में गेस कर रहे कि कौन सा वाला है। अगर ये दोनों का सही जवाब दिया तो
तो ये जीत जाएगा वरना ये 7 करोड़ हार जाएगा जो कि मेरे पास है ही नहीं। ये वो पहले हम लोग समोसा निकाल लेते इसमें से। ये ऐसा बॉक्स आया, ऐसा 2 बॉक्स आए, एक बॉक्स मैंने नीचे रख दिया था क्योंकि हम लोग को एक ही बॉक्स का काम है और 4 समोसे तो मतलब एक बॉक्स में। अरे इसकी पता नहीं कैसी पैकिंग देते सारे लोग। तो ये रहा वो, समझ जाइए आप। और इसके साथ क्या मिला है अपने को, वाह देखे। और ये क्या है, उड़िया उड़िया। रोना आएगा आज तो। अभी चल भाई ये लिखा और बता कि कौन सा। ए टच मत कर, टच नहीं कर सकता, मैं खिलाऊंगा। खा लिया स्पीड में और जल्दी से गैस कर कौन सा ये। लोरेंज का। कौन से लोरेंज का? नीचे वाला, एमएम वाला। एमएम वाला है? हाँ। ओके अभी आगे मैं आगे रिजल्ट बताऊंगा। और ये रही खुद से खा ले। ये हाई रेंज का। सबसे हाई वाला है मीड वाला? सबसे हाई वाला। सबसे हाई वाला है। ओके तो इसने 1 दिया है गलत, 1 दिया है सही, तो मतलब इसको 1 ही मार्क्स मिले यार। क्या है मतलब है? कौन सा? ये लास्ट वाला इसका सही जवाब है और बाकी के वो 2 गलत है ना। तो चलिए अभी मेरी टर्न है, अभी इसका 1 ही सही निकला, आप देखते मेरा कितना सही रहता। तो दोस्तों अब बारी है मेरी। अब चलिए जल्दी से इसको देते हैं। ये कितना है? अब दिखेगा तो बोलूंगा ना। क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं बे नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, चलो तो पहला समोसा हम लोग मोनिश भाई को देते हैं कि कितने कैस कर पाते कि नहीं। ये आवाज़ कहाँ से है? चलिए हाँ, पहला समोसा पेश किया गया है 4 करोड़ रुपए के लिए। ये ना चलिए देखते हैं अभी मैं बता पाता हूँ कि नहीं। बहुत खाना खाया ना इसने, देखते हैं अभी बता पाता है कि नहीं। क्या रेंज का खाना तो इसने भी खाया पर बता नहीं पाए। अब वो हो जाता है कभी कभी, मैं मौका दे देता हूँ जीतने का इसको। ये एमएम का है? हाँ एमएम का। आप जीतते 10 करोड़ रुपए। सच्ची में? हाँ सच बता यार। ले लेना 10 रुपए। तो चलिए अभी मैं तो रिजल्ट मैं आखिरी में बताऊंगा सब, ठीक है? तो ये झूठ था। कौन? मैं अभी नहीं, तुझे क्या लगा मैं सच में 10 करोड़ दूंगा? भाई 2 रुपए जैसा मुंह लेके 10 करोड़ लेने चाहिए। मेरा तो 2 रुपए पैसा वो आठाने का है, 50 पैसे काट दूंगा इसको मैं। तो अभी ये इसने जवाब दिया, आपने देखा होगा ये किसका समोसा था, ठीक है? तो अब मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अभी दूसरा समोसा निकालते हैं। तो अभी दूसरा समोसा मैं दे रहा हूँ इसको, ठीक है? मेरे को ना तेरे 10 करोड़ से कुछ अजीब सी वाइब आई है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने शायद गलत बोला है। सस्पेंस। आई एम सॉरी। कौन से कैटेगरी है? ये है मुझसे गलती हो गई पर उसके 1 मार्क्स। नहीं 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 भाई इससे नहीं। क्यों क्यों? मैं मेरा जवाब खाने के बाद जवाब ही चेंज कर दिया। हाँ केबीसी में भी यही होता है। नहीं, नहीं, अरे पिछले साल का जवाब सही है वो। नहीं, 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 मैं ये करेक्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं ये बता देता हूँ मेरे को ये वापस से वो पहले वाला छोड़ के ये एमएम का लग रहा है। तो ठीक है चलिए फिर मैं ये समोसा ले लेता हूँ, ठीक है? एमएम का है ये समोसा, ऐसा इनका बोलना है। अभी मैं बताता हूँ पहला वाला का आंसर कैंसिल कर देना। चलिए तो चलिए अभी इनको आखिरी समोसा देते हैं, ठीक है?
लेकिन इनको मैं खिलाऊंगा समोसा ये वाला, ठीक है? नहीं रुके रुके रुके, पहले टच कराना, पता चला मिर्ची समोसा है यार ये। नहीं नहीं नहीं, देख समोसा है, टच कर लिया समोसा है। हाँ हाँ ठीक है, आ आ ये तो इसने समोसा खा लिया। ये कौन सा रेंज का समोसा है मुनीस, आपको रेंज समझ में आई? तेरे मुंह के रेंज का है। अब सही में समोसा खिला तो बताता हूँ वीडियो के बाद। तो चलिए अभी वापस इसको समोसा खिलाते हैं। तो बता कौन से रेंज का है ये? ये मिड वाला है। मिड रेंज का है, ठीक है मिड रेंज का है। तो चलिए अभी सब समोसे तो हो गए, ठीक है? हाँ खोल दो तो मैं बताता हूँ। हाँ बता भाई। तो मैंने एक समोसा स्किप कर दिया क्योंकि ट्विस्ट तो होना ही चाहिए। मैंने तुझे 30 समोसा खिलाया लेकिन एक ही ब्रांड के दो बार खिलाया इसको। पहला आंसर इसका था मैंने इसको बड़े ब्रांड का खिलाया तो इसने उसको मिड रेंज बताया, वो गलत। फिर उसके बाद इसको मिड रेंज का खिलाया तो उसने, चलो वो MM तो सही बोला। फिर मैंने इसको हायर रेंज का खिलाया तो वो उसका वो भी गलत। तो मतलब इसने एक सही दिया, मतलब बराबरी वाले पॉइंट हो गए। तो कैसा लगा आपको मिर्ची खा के? बहुत खिलाया था मुझे आखिरी वीडियो में इसने, याद था मेरे को, तो मैंने जानबूझ के डाल दी समोसे में मिर्ची। अपन भी देंगे इसको अच्छे से कुछ टाइम बाद। पूरे दिन खाया था मैं, 24 घंटे एक मिर्ची खाया मतलब पूरे दिन लेके। तो चलिए अभी वीडियो तो खत्म हो चुका है और मैं सोचा था सजा दूंगा वैसा कुछ, पर कुछ हो लेकिन ये वीडियो को हम लोग सिंपल रखे वही, और कोई हारा भी नहीं, एक एक पॉइंट बराबर हो गया सबका वही। तो और रुमाल भी एकदम ट्रांसपेरेंट था, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग ने तीन लेयर मिलाया था, तीन मतलब कुछ भी ना स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। ये वीडियो अपने अंदाजन से बताया गया है। तो अभी ये वाला एक चैलेंज और एक रिव्यू प्लस मिक्स था। हम लोग ने आज थोड़ा अलग करने का ट्राई किया और आगे भी ट्राई करते आगे भी ट्राई करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा या बहुत ज्यादा भी अच्छा लगा हो तो देखिए, मेहनत तो करते रहेंगे हम लोग बार बार, आप एक एक वीडियो में लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर उतना कर देना। और सब्सक्राइब तो आप भी और आपके फैमिली मेंबर में जो भी हो सबसे करवाइए, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है क्योंकि अभी बजट ना यूट्यूब की तरफ से कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग का ही बजट जा रहा है और बहुत कॉस्टली जा रहा है कि थोड़ा मोड़ा भी नहीं जा रहा है, 10-15 रुपए भी नहीं जा रहा है एक एक वीडियो में, 1000-2000-3000 तो मतलब बहुत बजट जाता है वीडियो में। तो वही बेचारे लिंक में डाल दूंगा, अगर आप कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं इसके मुझे वीडियो पे, मैं बार कोड चिपका दूंगा, गरीबी बाहर निकलती है। वीडियो खत्म करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।